केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पिछले दिनों रविवार को अपने अलग ही अंदाज में नजर आए और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी। जीतन राम मांझी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कैमरे पे कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और यहाँ पर अफसर से लेके जज तक शराब का सेवन करते हैं। थाने में दरोगा शराब पीते हैं, कलेक्टर शराब पीते हैं, जज साहब भी शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ जब बिहार में बढ़ रहे अपराध पर जीतन राम मांझी नाराजगी जता रहे थे, इस दौरान उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है कि अब राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। और इसके बाद अब इस बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जवाब देते हुए भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो जरूर बिहार में शराबबंदी की जांच होनी चाहिए और अगर शराबबंदी सख्ती से लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए और इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर मांझी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि आप इसकी जांच करवाएं और मांझी जी को भी हम कहना चाहेंगे कि अगर वो बयान दे रहे हैं तो वह इसका सबूत भी दें और अगर सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो वह पद से इस्तीफा दे दें। क्या कह रहे हैं भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, हम आपको सुनाते हैं। देखिए आदरणीय जीतनराम मांझी केंद्र में मंत्री है, पूरे देश का केंद्र में सरकार है उसमें मंत्री है और अगर वो कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी है और वो कह रहे हैं कि सभी लोग पीते हैं, मंत्री होने के नाते अगर कुछ बोलते हैं इसको प्रूफ देना चाहिए। भाई जज अगर शराब पीते हैं ये तो बड़ा आश्चर्य बात है, डीएम जिला अधिकारी शराब पीते हैं, सुप्रीम ऑफ पुलिस पीते हैं, दरोगा पीते हैं, तो इनको प्रूफ देना चाहिए। और मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आपसे आग्रह करेंगे, केंद्र में आप एनडीए के सरकार में हैं और एक कोई मंत्री अगर बोल रहा है कि बिहार में जज डीएम एसपी दरोगा सभी लोग शराब पीते हैं, शराबबंदी का मतलब क्या है? अगर सचमुच ये सही बात है, अगर वो प्रूफ देते हैं शराबबंदी खत्म करिए, इसमें जहरीली शराब बिक रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, राजस्व का नुकसान बिहार को हो रहा है, राजस्व का मतलब है अगर वो राजस्व आता है तो गरीबों के लिए आप काम कर सकते हैं, महंगाई रोक सकते हैं, युवकों को रोजगार दे सकते हैं। अगर नहीं, ये जो मांझी जी का बयान है इसको आप गंभीरता से लीजिए, अगर सचमुच सही है इसका मतलब आपका शराबबंदी फेल है, तो आप इसको चालू करिए, अधिक रेट में बेचिए ताकि लोग खरीद ना पाए, लेकिन आपको राजस्व आए और बिहार का विकास हो। केंद्रीय मंत्री के इस तरह के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस साफ तौर पर अब केंद्र के शासन पर हमलावर है और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ तौर पर नसीहत दे रही है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। जिस तरह लगातार जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आती है, ऐसे में जरूर शराबबंदी की सख्ती से जांच होनी चाहिए और अगर नहीं बंदी करवा पा रहे हैं तो आपको शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।